क्या जलपरी होती हैं? जलपरी का रहस्य क्या है? क्या अब भी जलपरी का अस्तित्व मौजूद है? ऐसे अजीब से प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर आज भी उठते हैं। दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए कि जलपरी होती कैसी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जलपरी का आधा शरीर मछली का तथा आधा शरीर लड़की का होता है। कई स्थानों पर इन्हें देखने का दावा भी किया गया है। जलपरी एक जलीय जीव है। इनके ऊपर का शरीर इंसान तथा नीचे का शरीर मछली का होता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बेहद शक्तिशाली होती हैं। ये जीवों से बात कर सकती हैं तथा मोती को भी सागर से निकाल सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके आसपास मोतियों का भंडार होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जलपरियां कहां पर पाई जाती हैं। दोस्तों, जलपरियां जलीय जीव हैं, इसलिए ये बड़े बड़े महासागरों तथा समुद्र में पाई जाती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जलपरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये मानव की एक कल्पना मात्र है। लेकिन प्राचीन कथाओं में जलपरियों के सबूत मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जलपरियां सचमुच होती हैं तथा वो समुद्र में रहती हैं। प्राचीन सभ्यताओं में भी हमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जलपरियां होती हैं। हमें पुराणों में भी जलपरियों के सबूत मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जलपरियां होती हैं। इसके अलावा बहुत से देशों की पुरानी कथाओं में हमें जलपरियों का जिक्र मिलता है तथा वहाँ के लोग जलपरियों को मरमेड कहते हैं। हमें जलपरियों के होने के बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जलपरियां होती हैं। यही विज्ञान की माने तो विज्ञान ये कहता है कि जलपरी जैसा कोई जीव हो सकता है, क्योंकि इंसान ने पानी में रहने के लिए अपने शरीर का विकास कर लिया हो तथा वही जलपरी हो, इसलिए विज्ञान भी जलपरी को झूठा नहीं मानता है। सदियों से ये माना जाता रहा है कि समुद्र के अंदर अनेक ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में मानव सभ्यता भी अनजान है, और समय दर समय पर मिलने वाले रहस्यमय जीवों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि समुद्र के अंदर गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। आधे मानव और आधा पशु एक समुद्र से जुड़ा जीव ही माना जाता है, जिसको हम जलपरी के नाम से जानते हैं। अरेबियन नाइट्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि एक महिला के चेहरे पर बाल थे और उसके हाथ भी थे, लेकिन उसके पैर होने की बजाय एक पूंछ थी। यानी कि जलपरी पर हम पहले भी कुछ वीडियो देख चुके हैं जिनमें हमने देखा था कि जलपरी होती हैं। जैसा कि इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा, जब इस वीडियो को हम सभी ने देखा तो हम भी हैरान रह गए, क्योंकि ये वीडियो में दिखने वाला जीव जलपरी जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या ये वाकई जलपरी थी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ये वीडियो कहाँ शूट की गई है और किस जगह की है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी इस अजीब से जीव को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये जीव किसी लड़की की तरह नहीं बल्कि ज़ोंबी की तरह दिखाई दे रहा था। जी हाँ, यानी कि ये कोई खूबसूरत जलपरी नहीं बल्कि खतरनाक ज़ोंबी नजर आ रहा था। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी इस जीव को पहली नजर में देखता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये जलपरी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, अब जो घटना हम आपको दिखाएंगे वो तो और भी अजीब है। अब जरा सोचिए, आप सुबह सुबह समुद्र के किनारे यानी कि बीच पर मॉर्निंग वॉक करने गए हैं, जहाँ पर आप खूबसूरत वातावरण का लुफ्त उठा रहे हैं, लेकिन अचानक ही आपको ये अजीब सा जीव देखने को मिल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको बता दे, जिस शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, ये शख्स भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, लेकिन इसे भी नहीं पता था कि आज इसे मॉर्निंग वॉक पर खूबसूरत एनवायरनमेंट नहीं बल्कि ये अजीब सा जीव दिख जाएगा। अब ये अजीब सा जीव क्या है ये तो इस इंसान को नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने अब तक दुनिया के अंदर बहुत से अजीबोगरीब जानवर देखे होंगे, जिनमें किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, कोई बिना पंख के ही उड़ रहा है तो कोई बिना पैरों के ही चल रहा है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देख करके तो आप कहेंगे कि भला ये क्या बवाल है। अब इतना ट्रांसपेरेंट सा कौन सा जानवर है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब इस अजीब सी ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो इसे देख करके हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी जीव का इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना अपने आप में ही रहस्य है।
जिस घटना की अब बात कर रहे हैं वो संबंधित है पोलैंड की राजधानी वारसा से। पोलैंड की राजधानी वारसा से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जलपरी का कंकाल भी मिला है। इस कंकाल के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये एक जलपरी का कंकाल है। वैसे इस कंकाल को देखने में ये मरमेड का कंकाल ही लग रहा है। इसके पीछे मरमेड की तरह ही पूंछ भी मौजूद है। वही स्कॉटलैंड में 1830 से एक और कहानी ने दावा किया कि एक युवा लड़के ने उस चट्टानों को फेंक कर एक मरमेड को मार डाला। वो जीव के बारे में कहा गया कि वो 3 या 4 साल के एक बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन पैरों के बजाय उसकी पूंछ थी। कहा जाता है कि ग्रामीणों ने इसे एक ताबूत में दफन कर दिया है। हालांकि इस गड़बड़ कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के एक शख्स ने समुद्र किनारे से लाइव वीडियो बनाकर जलपरी होने के सबूत दिए हैं। एक टिकटॉकर ने अमेरिका के समुद्री किनारे पर जलपरी के कंकाल मिलने का दावा किया है। उसने पत्थरों के बीच मिले कंकाल का वीडियो बनाया और इसे शेयर कर दिया। इस शख्स के नाम का खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये टिकटॉक पर @JJMC12 नाम से मौजूद है। इसने 16 मई को अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक के बाद एक 2 वीडियो पोस्ट कर सनसनी मचा दी। इसे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। पहले वीडियो में शख्स को खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके हाथ जलपरी का कंकाल लगा है। उसने अपनी माँ से इसे दिखाकर कंफर्म किया। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर जमकर कमेंट किया। कई लोगों के मुताबिक ये बेबी जलपरी का कंकाल है। जलपरियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशों में ही जलपरी पाई जाती हैं, बल्कि हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब लोगों ने जलपरी को देखा हो। आज से कुछ समय पहले गुजरात के तट पर एक जलपरी के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। देश भर में लोग इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे थे, अपनी सोशल साइट पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे थे, लेकिन बाद में इस शव का क्या हुआ ये आप नहीं जानते होंगे। असल में भारत या किसी अन्य देश में अब तक किसी को न तो कोई जलपरी दिखी है और न ही मिली है। फिर भी इस जलपरी की वीडियो को इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया और जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर जगह सनसनी बन गई। लोगों ने जमकर इस तस्वीर पर कमेंट किया कि ये एक जलपरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी मानते हैं कि जलपरी होती हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे।